ओके हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मूल कॉन्सेप्ट का लेक्चर 6, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ सैंपल। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है बेसिकली ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमारे जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, जेई मेन में भी पूछ सकता है, और 2018 में ये एडवांस में इससे क्वेश्चन आया था। डायरेक्टली नहीं आया था, वो आया था आपका परसेंटेज यील्ड पे क्वेश्चन आया था, तो डायरेक्टली तो क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में आया था, जिसको ऑर्गेनिक से कनेक्ट किया था। ठीक है, तो आज का जो हम लोग लेक्चर डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर पॉसिबल हो सके तो आप लोग इसका प्रॉपर एक नोट्स बनाइए। ठीक है, मैंने सारे लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे मैं अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, तो आप लोग इसको देख के प्रॉपर एक नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी और आपको हेल्प मिलेगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि अगर आप लोग नोट्स प्रॉपर नहीं बनाते हैं, ठीक है, सिर्फ ऐसे करते हैं वीडियो लेक्चर, या फिर मान लो मेरा देख लिया या किसी और का फिर देख लिया, तो क्योंकि ऑनलाइन आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, उससे कुछ फायदा होगा नहीं। क्योंकि अगर आप एक चीज को, एक जने को फॉलो करेंगे तो आपको सारे एक तो कंटिन्यू में सारी चीजें मिलेंगी और अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे। देखो थ्योरी तो मिल जाएगी आपको, नो डाउट थ्योरी हर जगह मिल जाएगी, लेकिन अच्छे क्वेश्चन मिलने के लिए, करने के लिए तुमको पूरे के पूरे प्रॉपर वीडियो देखने पड़ेंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। और जे मेन या एडवांस के क्वेश्चन है, इवन नीट में भी थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड आएगा, लेकिन नीट का इतना नहीं पूछता है, लिमिटिंग रिएजेंट भी है। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आप थ्योरी समझ लेंगे लेकिन एप्लीकेशन पार्ट उससे होगा नहीं। ठीक है, तो मैं सबसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाओ। तो अभी तक हमने जो लेक्चर में डिस्कस किया था, बेसिक मोल कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मोलर मास देखा था हम लोगों ने, कि कैसे उसको निकालते हैं, फिर इम्पेरिकल और मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि स्टोइकोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे करते हैं, फिर पीओएसी यानी प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उनमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ए सैंपल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? देखो लिमिटिंग रिएजेंट से जब भी हम क्वेश्चन देखेंगे, तो अभी तक तुमने जब भी हमने लेक्चर तुमने देखा था, तो वहां पे मैंने कहीं पे भी लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस किया था। जैसे कि जब हम स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन देख रहे थे, तो स्टोइकोमेट्री क्वेश्चन में मैंने एक बार दो बार डिस्कस भी किया था कि अगर हमारे पे दो से ज्यादा रिएक्टेंट है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी तो हमारे पे क्या है, इक्वल रेशियो में या इक्वल प्रोपोर्शन में हमको रिएक्टेंट दिए हुए हैं, तो हमारा क्या है कि रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी हमारे जो दो रिएक्टेंट दिए होते हैं, तो उनमें एक रिएक्टेंट हमारा लिमिट में रहता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोडक्ट हमारा बनता है, ठीक है, वो हमारा दो रिएक्टेंट है, तो दो रिएक्टेंट में जो लिमिट वाला रिएक्टेंट होता है, जिसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, उसकी वजह से हमारा वो प्रोडक्ट बनता है। तो थोड़ा समझते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट है क्या। ठीक है, तो देखो इसको बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में अगर हम समझें, तो अगर मान लो हमको हॉट डॉग बनाना है, हॉट डॉग डम मतलब बन बनाना है, तो देखो हमारे पे 3 हॉट डॉग है, 2 बन है, तो अगर मेरे को हॉट डॉग इन बन हमको बनाना है, तो हम देख रहे हैं कि एक बन के लिए एक हॉट डॉग चाहिए। ठीक है, तो हमारे पे 2 बन है, तो हमारे 2 हॉट डॉग क्या हो गए, यूज हो गए, लेकिन एक हॉट डॉग क्या हो गया, बच गया। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि हमारे पे 2 रिएक्टेंट थे, ठीक है, एक हॉट डॉग और एक बन। ठीक है, इसमें हॉट डॉग जो है वो हमारा एक्सेस में है, जबकि जो बन है वो क्या है, लिमिट में है। लिमिट में क्यों, क्योंकि जो हमारा हॉट डॉग इन बन बना वो किसकी वजह से बना है, बन की वजह से, क्योंकि ये 2 ही है। अब भाई 2 है तो मेरे हॉट डॉग इन बन कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे। ठीक है, यानी जो लिमिटेड में होता है, यानी जो लिमिट में होता है, जिसकी वजह से मेरा प्रोडक्ट बनता है, उसको हम बोलते हैं क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं उसको, लिमिटिंग रिएजेंट। तो हॉट डॉग है 3 था और बन हमारे 2 थे, तो ये हमारे एक एक यूज हो गए, तो एक हमारा हॉट डॉग बन गया, यानी ये एक्सेसिव रिएक्टेंट हो गया, और ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट।
तो यहाँ पे एक चीज ये ध्यान में रखना कि जो भी मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा किसके बेसिस पे बनेगा, जो हमारी लिमिट में रहेगी चीज, यानी जो हमें लिमिट में रिएक्टेंट दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिमिट में दिया तो हमारा प्रोडक्ट इसके बेसिस पे बनता है। और अभी तक जो हम पहले जो रिएक्टेंट पढ़ रहे थे उसमें क्या था, अगर दो रिएक्टेंट लिए भी थे हमने तो उसमें क्या था कि जैसे मान लो अगर हमारे पे बन दो है तो हॉट डॉग भी दो ही था, मतलब जो हमने पहले रिएक्शन करी थी, तो इस वजह से हमको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अभी अगर हमको क्वेश्चन जो भी मिलेगा उसमें हमको एक बार जरूर चेक करना है, ठीक है, कि क्या दोनों ही इक्वल रेशियो में है या फिर उसमें से एक हमारा लिमिट में है। तो अगर कोई चीज उसमें लिमिट में होगी तो प्रोडक्ट हमको लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे ही बताना है, ठीक है, ओके। तो समझ में आया लिमिटिंग रिएक्टेंट रिएक्टेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होते हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हम उनको बोलेंगे जो हमारी लिमिट में हो, ओके। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन के थ्रू समझे अगर, तो अगर मान लो हमको एक क्वेश्चन दिया है उसमें बोल रहा है कि 3 मोल Na2CO3 है और मेरा रिएक्ट हो रहा है 6 मोल ऑफ HCl के साथ, ठीक है। तो और फिर बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस एट H2O। तो अगर मैं मान लो इस इक्वेशन को देखूं तो यहाँ पे Na2CO3 मेरा HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ये तो तुमने रिएक्शन पढ़ी होगी 10th में कि अगर कोई भी हमारे पे क्या कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट है, वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट CO2 गैस एंड वाटर बनाता है। तो ये हमारी रिएक्शन यहाँ पे ये दे रखी है, इसको हमने बैलेंस किया। तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि मेरे पे 3 मोल जो Na2CO3 दे रखा है यानी सोडियम कार्बोनेट दे रखा है, ठीक है। तो वो 3 मोल जो है वो हमको Na2CO3 दे रखा है और 6 मोल कौन दे रखा है हमको HCl, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि इनकी जो रिएक्टिंग रेशियो है वो क्या है, अगर मेरे पे एक रेशियो मेरा क्या है Na2CO3 रिएक्ट हो रहा है तो उसके लिए मेरा HCl कितना चाहिए, 2 रेशियो, यानी मैं बोल सकता हूँ कि जो इनका रिएक्टिंग रेशियो है या स्टाइसोमेट्रिक रेशियो है वो 1:2 है। अगर मेरा एक मॉलिक्यूल Na2CO3 रिएक्ट हो रहा है तो उसके लिए मेरा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl चाहिए होगा, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब अगर ये मेरे पे 3 मोल Na2CO3 दे रखा है तो इसका 2 गुना चाहिए यानी 6 मोल। तो यहाँ पे तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी तक हमने जो रिएक्शन देखी थी उसी के बेसिस पे थी। तो इसमें जब लिमिटिंग रिएजेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो मेरा जो CO2 बनेगा वो इन दोनों में से किसी के बेस पे तुम कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो हम मोल मोल एनालिसिस करके CO2 का मोल निकाल देंगे और फिर STP पे देख लेंगे कितना वॉल्यूम है। तो मोल मोल एनालिसिस कैसे बताया था, मोल ऑफ, जब भी हम मालूम मोल ऑफ CO2 और मोल ऑफ HCl को हम रिलेट कर रहे हैं तो मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाय उसका मीन स्टाइसोमेट्री रेशियो, सिमिलरली मोल ऑफ HCl डिवाइड बाय स्टाइसोमेट्री ऑफ द HCl। तो स्टाइसोमेट्री ऑफ HCl कितना दे रखा है यहाँ पे 2 और मोल और इसका स्टाइसोमेट्री कितना दे रखा है 1। तो यानी यहाँ पे हम देखें यहाँ पे हो जाएगा मोल ऑफ Na2CO3 डिवाइड बाय, ठीक है, यहाँ पे तो खैर HCl नहीं दे रखा, अगर HCl होता तो मोल ऑफ HCl डिवाइड बाय 2 मोल ऑफ CO2, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों का स्टोइकोमेट्रिक एक एक है तो यहाँ पे मोल ऑफ Na2CO3 डिवाइड बाय 1 और मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाय 1। तो मेरा मोल ऑफ CO2 कितना प्रोड्यूस हो गया 3, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हुआ है STP पे 3 × 22.4, ठीक है, इक्वल टू 67.2। तो ये तो था हमारा क्या कि जब हम एनालिसिस किए जिसमें हमारे पे मोल से कुछ लेना देना नहीं, मतलब हमारा लिमिटिंग रिएजेंट से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे मोल से तो खैर लेना देना होगा, लिमिटिंग रिएजेंट से कुछ लेना देना नहीं है। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, अभी हमने क्या किया, अभी हमने देखा कि मैंने जो Na2CO3 है यानी सोडियम कार्बोनेट मैंने अभी 6 मोल ले लिया और HCl मैंने 4 मोल ले लिया, ठीक है। अब ये पूछ रहा कि बताओ CO2 हमारा कितना प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे और उनको बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको गिवन मोल ऑफ रिएक्टेंट कितना दे रखा है, Na2CO3 6 मोल और HCl कितना दे रखा है 4 मोल, ठीक है। इनका मोलर रेशियो अगर हम देखें 3:2 का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो रिएक्टिंग रेशियो, अगर मेरे पे 1 मोल Na2CO3 है तो उसके लिए कितना मोल हमको HCl चाहिए होगा, 2, ठीक है। ये हमारा स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है रिएक्टिंग का, लेकिन यहाँ पे हमको ये दे रखा है 6 मोल और ये दे रखा है 4 मोल, ठीक। तो यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो तो यहाँ पे अगर तुम इसको गौर करो तो तुम देखोगे क्या कि जो मेरा ये रिएक्टेंट का जो मोल रेशियो दिया हुआ है या मोल जो तुम्हारा ये दिया हुआ है वो कंप्लीट नहीं है, यानी कंप्लीट
दोनों रिएक्ट नहीं होंगे, एक ना एक जरूर है जो बचेगा, ठीक है। तो अब ये जो बचेगा उसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के बहुत अच्छा एक तरीका है, ठीक है। तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन नहीं बताया कैसे करना है, इसको हम निकालेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही पहले कंज्यूम होगा, और जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो किसके बेसिस पे बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट के, क्योंकि एक्सेसिव जो रिएजेंट होगा वो तो बच जाएगा मेरा, ठीक है। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसके अलग अलग स्टेप हैं। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप देखते हैं। पहले स्टेप में क्या करेंगे, डिवाइड द गिवन मोल ऑफ रिएक्टेंट बाय द रिस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, यानी जो भी इसके मोल गिवन है उसको डिवाइड कर दो किस से, उसके स्टोइकोमेट्रिक रेशियो से। तो देखो हमको रिएक्टेंट का मोल जो Na2CO3 है वो कितना दे रखा है, 6, और HCl का कितना दे रखा है, 4। तो हम इसके स्टोइकोमेट्रिक रेशियो से डिवाइड कर दें, तो HCl का स्टोइकोमेट्रिक रेशियो कितना दे रखा है, 2, और इसका 1। तो हम जब डिवाइड करेंगे तो मेरा HCl कितना आ गया, 2, और हमारे पे Na2CO3 कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। ओके, तो यानी जो मेरा कम आया, यानी इसमें कम कौन आया, मेरा HCl, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये तो 6 आएगा और डिवाइड होने करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 2। तो जो कम आएगा, ठीक है, वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है फाइंड आउट करने का लिमिटिंग रिएजेंट। करना क्या है, दोबारा सुन लो, कि जो भी मोल दिए हो उसको डिवाइड कर दो उसके स्टोइकोमेट्रिक रेशियो से, ठीक है। तो यानी अगर ये मेरा 6 मोल दे रखा है या 4 मोल दे रखा है, तो इसका स्टोइकोमेट्रिक क्या दे रखा है, इसका स्टोइकोमेट्रिक दे रखा है 2, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कितना दे रखा है, 1, तो 6 को 1 से डिवाइड करोगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 6। तो कम कौन आया, HCl आया। तो अगर HCl मेरा कम आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, HCl हो गया, ठीक है, यानी HCl मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ये तो पहला स्टेप हो गया हमारा। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ठीक है, वही हम देखेंगे कि किसका मिनिमम आ रहा है, जिसका मिनिमम आएगा मेरा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जो लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है, उसी पर हमको फोकस करना है और उसी के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो अब हम उसको देख सकते हैं। तो हमारे पहले दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, इसको 6 से 1 को डिवाइड कर दिया और 4 को 2 से, तो ये 2 आया, तो यानी ये मिनिमम है, तो ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो प्रोडक्ट इसके बेसिस पे बनेगा, तो हम बोल सकते हैं कि जब प्रोडक्ट इसके बेसिस पे बनेगा तो हम CO2 का क्या निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। तो मोल निकालने का तरीका वही सेम, ठीक है, कि मोल ऑफ HCl और उसका स्टोइकोमेट्री, दो रिएक्शन याद ही होगी तुमको, अभी पीछे मैंने स्लाइड में दिखाया था उसका स्टोइकोमेट्री क्या था, HCl का 2, तो मोल ऑफ HCl डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2, तो इसका स्टोइकोमेट्री एक ही है, तो डिवाइड बाय 1। तो हमको इसका मोल कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, ना दिया हुआ है 4, क्योंकि भाई अब हमको वही देखना है कि क्या इनिशियली दिया था, ठीक है। हमने जो ये तीनों स्टेप देखे हैं वो तीनों स्टेप सिर्फ ये बताते हैं कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। जब लिमिटिंग रिएजेंट तुमको पता लग जाएगा फिर इसका कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से हमको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। उसके बाद तुमको दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं अब इतना ही बचा तो इतना होगा, नहीं, तुमको फिर एक बार पता लगा लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, बस उसी के बेसिस पे बता दो कि प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा। तो यहाँ पे मोल ऑफ HCl डिवाइड बाय 2 किया और मोल ऑफ CO2 इसका स्टोइकोमेट्रिक है 1, तो मोल ऑफ CO2 मेरा कितना प्रोड्यूस हो गया, 2 मोल, ठीक है। जब 2 मोल आ गया तो STP पे हम निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाई बाय 22.4, तो मेरा वॉल्यूम ऑफ द CO2 कितना प्रोड्यूस हो गया, 44.8 लीटर, ठीक है। तो क्लियर है, अभी तुमको पता लग गया कि किस तरीके से निकालेंगे। एक क्वेश्चन तुमको देता हूँ, तुम लोग करो जरा, ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको करो। ओके, आई होप इस क्वेश्चन को तुमने कर लिया होगा, ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि 4 मोल हमको MgCO3 दे रखा है और 6 मोल हमको HCl दे रखा है, फिर बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस एट STP। तो इसमें पहले हम क्या निकाल लें, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या करेंगे, जो भी मोल दिया हुआ है उसको डिवाइड कर दें उसके स्टोइकोमेट्री से, इसका मोल कितना दिया हुआ है, 4, और इसका मोल कितना दिया है, 6, ठीक है। तो इसको इसका स्टोइकोमेट्री MgCO3 का कितना है, 1, तो 4 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो ये कितना आ जाएगा, 4, और अगर इसको हम डिवाइड करें 6 को डिवाइड करें किस से, 2 से, तो कितना मोल आ जाएगा HCl का, 3, ठीक है। तो हमारे भी लिमिटिंग रिएजेंट कौन पता लग गया, HCl, तो यानी प्रोडक्ट जो बनेगा किसकी वजह से बनेगा, HCl की वजह से, ठीक है।
तो अब हम कोरिलेट कर दें मोल 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 एनालिसिस कर लो, तो मोल मोल एनालिसिस कर लोगे तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट आ गए, तो मोल मोल एनालिसिस करोगे ठीक है तो तुम्हारे पे क्या आ जाएगा, ये HCl दिया हुआ है तो यानी 6/2 और इसका मोल ऑफ CO2 / 1 तो कितना आ जाएगा, मोल ऑफ CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ, 3 मोल ठीक है, मोल ऑफ तुम्हारा CO2 कितना प्रोड्यूस हो गया, 3 मोल, मेरा वॉल्यूम कितना आ जाएगा इस टॉपिक पे, 67.2 ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करते हैं। ओके एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ठीक है, तो और हमारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दे रखी है कि 2 कार्बन O2 से रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, ये मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन है। और यहाँ पे बोल रहा है कि हमने कार्बन को 24 ग्राम लिया है और ऑक्सीजन को कितना लिया है, 128 ग्राम ठीक है। अब पूछ रहा है कि कौन सा रिएक्टेंट हमारा एक्सेस में होगा, तो एक्सेस वाला रिएक्टेंट कैसे बताओगे ठीक है, एक्सेस का रिएक्टेंट बताओगे कैसे, जो लिमिट में आ जाएगा तो उसका जो बचा हुआ है वो दूसरा क्या हो जाएगा एक्सेस में। तो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों का मोल निकाल लो, तो जब तुम मोल निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 24/2 पे कितना हो जाएगा, ये 2 मोल यानी मोल ऑफ कार्बन कितने हो गए 2 और O2 का कितना मोल हो जाएगा, 128/32 तो कितना होगा बताओ, कितना होगा 128/32 तो ये हो जाएगा तुम्हारा यानी 4 मोल ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब इसके बाद हमारा मोल इसका निकल गया तो अब देख लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो इसका क्या है, इसका स्टॉइकियोमेट्रिक 2 है और इसका क्या है 1 है। तो अब क्या करेंगे, इसका मोल 2 आया तो 2/2 1 हो जाएगा और ये 4/1 कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा तो 1 ही रहा, तो इसका मतलब लिमिट में कौन हो गया कार्बन, तो एक्सेस में कौन हो गया ऑक्सीजन ठीक है। ओके तो पहले वाले का पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, यानी पहला अगर हम देखें तो O2 हमारा एक्सेस में बचेगा। अब सेकेंड में पूछ रहा है कि हाउ मच इज लेफ्ट, अब हाउ मच इज लेफ्ट में हम कैसे बताएंगे, देखो पहले हम देख लें कि अगर हमारे पे 1 मोल O2 होता तो मेरे को कितना कार्बन चाहिए, 2 मोल ठीक है। यानी हम वाइस वर्सा ये बोल सकते हैं कि अगर मेरे पे 2 मोल कार्बन रिएक्ट हो रहा तो उसके लिए क्या चाहिए, 1 मोल O2 ठीक है। तो यानी हमको ये दे ही रखा है कार्बन कितना, 2 मोल, तो कितना मोल O2 रिएक्ट करेगा, 1 ही मोल, तो 1 मोल जब रिएक्ट करेगा तो बचेगा कितना, 3, क्योंकि टोटल कितने थे 4, तो 4 - 1 जा कितना 3, तो मेरा O2 कितना बच गया, कितना मोल O2 मेरा बन गया 3 मोल। यानी 3 को अगर मतलब तुम वेट में निकालो ग्राम में तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 32 से 96 ग्राम, यानी 96 मेरा O2 बच गया। थर्ड में पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस, तो बाय लिमिटिंग जो है उसके बेसिस पे कार्बन मोनोऑक्साइड करेगा प्रोड्यूस, तो इसका मोल मोल एनालिसिस कर लो, तो जितना मोल ये होगा उतना ही मोल मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, तो 2 ही मोल प्रोड्यूस होगा, तो उसको जब ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 36 ग्राम, समझ आ रहा कि नहीं ठीक है। फिर उसके बाद चौथे में बोल रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ अदर रिएक्टेंट शुड बी टेकन सो दैट नथिंग इज लेफ्ट ठीक है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे बोल रहा है O2 कम्प्लीटली तुम्हारा क्या है टोटल 8 मोल ऑफ कार्बन, यानी जो बचा हुआ मेरा O2 है उसको कम्प्लीटली रिएक्ट करने के लिए मेरे पे कितना चाहिए, 8 मोल ऑफ कार्बन चाहिए ठीक है, या 96 ग्राम ऑफ कार्बन चाहिए ठीक है, ताकि हमारा क्या हो कम्प्लीटली रिएक्शन हो जाए। तो देख लो भाई ये 2 मोल 1 का कर रहा है तो ये 4 मोल है तो कितना करेगा ठीक है 8 करेगा, 8 को तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो आ गया आंसर ठीक है। तो ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट का जो लिमिटिंग रिएजेंट का पार्ट है, तो इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे। तो अब आते हैं थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन की तरफ ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, देखो तुम लोगों से होता है कि नहीं ठीक है, जिनका आंसर आएगा वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। ओके तो आई होप सबने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा ठीक है। अब हम देखते हैं कि तुम लोग का क्वेश्चन सही हुआ कि नहीं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला है मिक्सचर ऑफ KBr एंड NaBr वेइंग 0.56 ग्राम वाज ट्रीटेड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Ag+। बोला है कि मेरे पे मिक्सचर है किसका, KBr का और NaBr का, जिसका वेट कितना दे रखा है 0.56 ग्राम ठीक है, उसको हम Ag+ से क्या कर रहे हैं ट्रीट कर रहे हैं ठीक है एंड ब्रोमाइड आयन से, और हमको क्या बना रहा है 0.97 ग्राम प्योर AgBr ठीक है। तो ये बोल रहा है व्हाट वाज द वेट ऑफ KBr इन द सैंपल। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है,
हमको केबीआर और एनएबीआर दोनों का वेट दे रखा कितना 0.56 ग्राम, और हमको एजीबीआर जो बन रहा है वो हमको दे रखा कितना 0.97 ग्राम, और फिर पूछ रहा है कि केबीआर का वेट कितना है हमारे सैंपल। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि केबीआर का कुछ अमाउंट होगा यानी कुछ वेट होगा एक्स और एनएबीआर का वाई, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0.56, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे, तो पहले रिएक्शन देख लेते हैं, केबीआर और एनएबीआर मेरा एजी प्लस से रिएक्ट कर रहे हैं और मेरे पे क्या बना रहे हैं एजीबीआर, एजी प्लस से रिएक्ट करके बना रहे हैं एजीबीआर। तो इसको अगर मैं मान लो ए है, अगर ये मेरा ए ग्राम है केबीआर, तो मेरा एनएबीआर कितना होगा 0.56 माइनस 8, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर केबीआर मेरा ए ग्राम होगा तो एनएबीआर कितना होगा 0.56 माइनस 8, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि भाई टोटल तो मेरा 0.5 है ना, तो अगर ये मेरा ए हो गया तो ये तो बचा हुआ ही होगा, ठीक है, ओके। अब क्योंकि इस रिएक्शन को बैलेंस करना मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इसको बैलेंस करेंगे, कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, ठीक है, और बैलेंस करके भी करोगे तो थोड़ा मुश्किल ही पड़ेगा तुमको कि पहले बैलेंसिंग करो, तो क्योंकि अब हमको बैलेंस करने में दिक्कत है ही नहीं हमको, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पीओएसी पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे पीओएसी, तो पीओएसी अप्लाई करेंगे किस पे, ब्रोमीन एटम पे, क्योंकि भाई ब्रोमीन ही तो कंप्लीट हमारा रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, एजीबीआर में। तो ब्रोमीन में पीओएसी लगाएंगे, तो तुमको पता ही है कि पीओएसी जब लगाते हैं तो वो जितने भी एटम हमारा रिएक्टेंट की तरफ होते हैं वो इक्वल टू तुम्हारे हो जाएंगे प्रोडक्ट की तरफ। तो पीओएसी और ब्रोमीन लगाते हैं तो मोल ऑफ के तुम्हारा बीआर इन केबीआर प्लस मोल ऑफ बीआर इन एनएबीआर इज इक्वल टू मोल ऑफ बीआर इन एजीबीआर। तो हम मान लेते हैं कि ये 1 × मोल ऑफ केबीआर हो जाएगा प्लस 1 × मोल ऑफ, क्योंकि इसके बीआर का एटम एक ही है, ठीक है, और यहाँ पे भी बीआर एक ही है, तो 1 × मोल्स ऑफ एनएबीआर। ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि कैसे निकालते हैं, जो भी उसके एटम होता है मल्टीप्लाई बाय उसका मोल, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे भी बीआर एक ही है और मोल ऑफ एजीबी, ओके। तो यहाँ पे हम करें तो इसका मोल निकाल दें, ये ए ग्राम है तो ए अपॉन में 119, ठीक है, इसका केबीआर का मास होता है प्लस 0.56 माइनस ए, और इसका मास एनएबीआर का 103 है, इज इक्वल टू तुम्हारे पे क्या हो जाएगा 0.97 अपॉन में 188, ठीक है। तो ये हमारा जो मोल दिया था इसको कोरिलेट करके हमने एक इक्वेशन बना ली। अब ये एक इक्वेशन एक वेरिएबल है तो एक की वैल्यू आ जाएगी, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 0.2124, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो इसको, तो परसेंटेज ऑफ केबीआर मेरा कितना आ जाएगा, ठीक है, तो जो भी टोटल मास कितना दिया था 0.56 और केबीआर का मास कितना है 0.2124 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो कितना आ जाएगा 37.93, ठीक है। तो समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है, पीओएसी लगा के। अगर पीओएसी तुम लोग भूल गए हो तो एक बार प्रीवियस वाला जो लेक्चर मैंने डाला था, वीडियो जो डाला हुआ है उसको एक बार देख लो ताकि तुम्हारा रिवीजन हो जाए, ठीक है। और एक और मैं एडवाइस करूंगा, नोट्स बनाते रहो तभी तुमको समझ में आएगी चीजें, और मैं कई बार रिपीट करता हूँ, ठीक है, तो वो इसलिए करता हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, ठीक है, क्लियर, ओके। इसके बाद ये क्वेश्चन करो जरा, ओके, तो इसको ट्राई कर लिया, ठीक है। देखो आप इस क्वेश्चन को अगर देखें तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जो भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ इस क्वेश्चन के बहुत कम चांसेस हैं कहीं मिले तुम लोगों को, ये बहुत ढूंढे हुए क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, तुमको मिलेंगे नहीं, तुम कितने भी वीडियो खंगाल डालो, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखोगे तब तुमको ऐसे क्वेश्चन शायद मिल जाए, ठीक है, अदरवाइज सारे को ऐसे क्वेश्चन डालते नहीं है, ठीक है, जिस थ्योरी थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, आते हैं अपने ट्रैक के ऊपर। तो यहाँ पे भी तुम लोग देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ग्राम मेरे पे ड्राई ग्रीन एल्गी है, एल्गी सबको पता है काई को कहते हैं, जो पानी में क्या होता है तालाब में तुम्हारा जो हरा हरा होता है। तो ये बोला है कि 1 ग्राम ऑफ ड्राई ग्रीन एल्गी एब्जॉर्ब 5 × 10⁻³ मोल ऑफ CO2, ठीक है, बोला है कि 1 ग्राम मेरा ड्राई ग्रीन एल्गी जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है 5 × 10⁻³ मोल CO2 पर आर, यानी 1 घंटे में, ठीक है, मेरा जो है वो 5 × 10⁻³ मोल ऑफ CO2 कर रहा है। फिर बोल रहा है कि द फिक्स्ड कार्बन एटम आफ्टर फोटोसिंथेसिस स्टोर
इन द फॉर्म ऑफ स्टोर स्टार्च, यानी क्या कर रहा है कि जो कार्बन एटम है ठीक है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने अंदर एल्गी इसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर रहा है ठीक है। अब बोल रहा है कैलकुलेट द हाउ मच टाइम विल बी टेक टू एल्गी टू डबल इट्स ऑन वेट ठीक है, ऑन होगा ठीक है, ये स्पेलिंग गलत है ठीक है, वो डब्ल्यू एन होगा ये। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, शॉर्ट में समझा दूं, बोल रहा है एक ग्राम एल्गी है ठीक है, वो हमारा CO2 5×10⁻³ मोल हर घंटे लेता है, सोखता है ठीक है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो ये बोल रहा है कि बताओ कितना समय लगेगा एल्गी को अपना वेट को डबल करने में ठीक है। तो देखो इनिशियली ये कितना ग्राम है, एक ग्राम, तो अगर ये डबल हो जाता है वेट तो कितना हो जाएगा, दो ग्राम, यानी कितना हमारा वेट होगा एल्गी का, मतलब कितना वेट गेन करेगा ये एल्गी, एक ग्राम ठीक है, यही होगा ना इसका मतलब ठीक है, यानी एक ग्राम हमारा वेट जो है वो गेन करेगा। अब ये जो वेट गेन करेगा वो किसकी वजह से करेगा, वो करेगा वेट स्टार्च की वजह से भाई, क्योंकि स्टार्च वो बना रहा है अपनी बॉडी में, और स्टार्च जितना बढ़ेगा उतना ही क्या होगा एल्गी का वेट बढ़ेगा। तो एल्गी का जो वेट बढ़ रहा है ठीक है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा तुम्हारा स्टार्च की वजह से ठीक है, क्योंकि स्टार्च उतना ही तुम्हारा क्या हो रहा है सिंथेसिस कर रहा है, और जितना ज्यादा सिंथेसिस करेगा स्टार्च उतना ही उसका वेट बढ़ेगा। यानी मैं बोल सकता हूँ कि एक ग्राम जो है मेरा एल्गी का वेट बढ़ा हुआ है, वो एक ग्राम एल्गी का वेट नहीं है, वो स्टार्च का वेट है, बोल सकता हूँ मैं ठीक है। अब देखते हैं रिएक्शन क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है मेरी CO2 और वाटर मिलके मेरा क्या बना रहा है स्टार्च बना रहा है, और यहाँ पे क्या है अब हमको क्या चाहिए, हमको मोल ऑफ CO2 चाहिए। अगर मेरे पे मोल ऑफ CO2 पता लग जाएगा ठीक है तो हम तो बता सकते हैं ना कि कितना हमको टाइम चाहिए इसके वेट को डबल होने के लिए। तो ये रिएक्शन तुमको देख के क्या लग रहा है, बैलेंस कर पाओगे, नहीं हो पाएगी, बैलेंस नहीं होगी। अब बैलेंस नहीं होगी तो क्या लगाओगे, POAC, और POAC किस पे लगाओगे, कार्बन पे, किस पे लगाओगे कार्बन पे, क्योंकि कौन कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा है कार्बन, तो POAC लगाओ कार्बन के ऊपर ठीक है। तो जब POAC कार्बन पे लगाओगे तो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ कार्बन ठीक है, यानी NCO2 मतलब ये मोल है ठीक है, एन मतलब ये मैं समझ रहा नंबर, मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू ठीक है तुम्हारे पे मोल ऑफ स्टार्च इंटू 6N ठीक है, मोल ऑफ स्टार्च इंटू 6N, 6N ही क्यों, क्योंकि भाई कार्बन का यहाँ नंबर कितना है 6, और N से मल्टीप्लाई करा तो मैंने कैसे बताया था POAC कैसे लगाते हैं, यहाँ पे शॉर्ट पे मैंने लिखा है क्योंकि पिछले लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। तो यहाँ पे क्या होगा, मोल कैसे निकालते हैं इसका, मतलब POAC लगाते हैं, तो जो भी उसका नंबर ऑफ एटम होता है मल्टीप्लाई बाय द मोल ऑफ दैट कंपाउंड, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो इसका एक नंबर है तो मोल ऑफ CO2 वही रह गया इज इक्वल टू 6N, इसका नंबर कार्बन का कितना हो जाएगा 6N इंटू मोल ऑफ स्टार्च, तो मोल ऑफ स्टार्च कैसे निकालेंगे, इसका ग्राम कितना दिया स्टार्च का एक, क्योंकि एक ग्राम ही तो वेट गेन हो रहा है, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ स्टार्च, तो मोलर मास स्टार्च कितना होगा, इनको जोड़ोगे तो 162N आएगा, और N से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि N टाइम्स है, इसको करोगे सॉल्व तो ये 1/27, यानी मोल ऑफ CO2 कितना निकल गया मेरा 1/27 ठीक है। और अब हमको क्या डाटा दिया हुआ है, बोला है एब्जॉर्ब 5×10⁻³ मोल, ये तो मेरे पे मोल ऑफ CO2 इतना हमारा एब्जॉर्ब किया एक ग्राम वेट गेन करने के लिए, ये हमारा निकल गया ठीक है। तो यानी 1/27 मोल CO2 एब्जॉर्ब किया होगा ताकि वो अपने वेट को दोगुना कर सके। अब हमको कितना समय लगा वो निकाल सकते हैं, तो उसको कैसे निकालेंगे, अब देखो ये भी डाटा हमको दिया है कि 5×10⁻³ मोल CO2 जो है वो सोखता है एक घंटे के अंदर ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एक मोल कितने घंटा लेगा सोखने के लिए, 1/5×10⁻³ मोल ठीक है आर, अगर 5×10⁻³ मोल ऑफ CO2 चाहिए एक घंटे, मतलब सोखता है एक घंटे में, तो एक मोल कितने में चाहिए, 1/5×10⁻³ ठीक है, यूनिटरी मीटर लगाएंगे। अब हमको 1/27 के लिए कितना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 1/27 ठीक है, इसको कर दोगे तो मेरे पे आंसर आ जाएगा इसका ठीक है ओके। तो इतना घंटा हमारा होगा, इसको सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा, कोई डाउट है इसमें कर लोगे ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन को भी ट्राई करो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई करो ओके। तो ट्राई किया होगा तुम लोगों ने वीडियो पॉज करके ठीक है, अब देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है
कि व्हाट वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म Re2CO10 from 2.50 ग्राम ऑफ Re2O7 अकॉर्डिंग टू अनबैलेंस इक्वेशन। अब यहाँ पे अनबैलेंस इक्वेशन दे रखी है और बोला कितना हमको वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए, ठीक है, इतना इसको बनाने के लिए, ठीक है, फ्रॉम 2.5 ग्राम Re2O7। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अनबैलेंस इक्वेशन है, तो अब यहाँ पे हमको CO चाहिए और इस इक्वेशन को बैलेंस करना मुश्किल है, तो हम क्या लगाएंगे, POS। अब POS यहाँ पे किस एटम पे लगाएंगे, यहाँ पे कहीं भी स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है, कहीं भी तुम देख रहे हो कहीं भी कोई यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं दिया है कि कार्बन पे लगा दो या फिर ऑक्सीजन पे लगा दो, तो हम क्या करेंगे, सभी पे POS लगाते हैं, सारे एटम। तो POS लगाने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे मोल को, तो मैं लेट कर लेता हूँ कि मोल ऑफ Re2O7 ए मोल होगा, मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को मैं बी मान लेता हूँ, मोल ऑफ Re2CO10 को मैं सी मान लेता हूँ और मोल ऑफ CO2 को डी मान लेता हूँ, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन मेरा इजी हो जाए। अब POS लगाता हूँ, तो सबसे पहले POS ऑन Re लगाता हूँ, तो देखो यहाँ पे Re के कितने एटम है, दो, ठीक है, तो यानी यहाँ पे 2 मोल ऑफ Re2O7, तो मोल ऑफ Re2O7 को अब मैं ए बोलूंगा, तो यानी 2A इज इक्वल टू तुम्हारे पे क्या हो जाएगा, इसका मोल C है इंटू 2C, तो 2 से 2 कट जाएगा यानी A इक्वल टू C, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम POS ऑन कार्बन लगाते हैं, तो कार्बन पे लगाएं तो ये हो जाएगा 1 इंटू इसका मोल कितना B, तो यानी B इज इक्वल टू यहाँ पे कार्बन कितना है 10 और इसका मोल क्या था C, तो 10C और यहाँ पे किसका मोल D था और ये नंबर 1 है, तो प्लस D, यानी B इक्वल टू 10C प्लस D हो जाएगा। उसके बाद POS ऑन ऑक्सीजन अगर हम लगाएं तो इसको भी लगा सकते हैं, यहाँ पे 7 है तो 7A, यहाँ पे 1 है तो ये B इक्वल टू यहाँ पे 10C प्लस 2D। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगर इसको सॉल्व तुम करना तुम्हारा काम है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा, B इज इक्वल टू 17A, क्योंकि हमको इसका तो हमको मास पता है ना, हमको B चाहिए, तो इस पर 17A दे रखा है, तो 17A अब कैसे करेंगे, A का मोल निकाल सकते हैं, A का मोल कैसे निकालोगे, 2.5 और इसका जो भी मोलिकुलर वेट होगा डिवाइड कर दो, तो इसका वेट होगा 484, इसको सॉल्व करोगे तो मोल ऑफ हमारा CO आ जाएगा, और वेट करने के लिए मोल मास ऑफ CO से मल्टीप्लाई करो, वो आ जाएगा, ठीक है, इजी है, अच्छा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे नहीं ना। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो जरा। ओके, तो आई होप तुम लोगों ने ट्राई किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंपल क्वेश्चन है, बोला कैलकुलेट द वेट ऑफ FeO फ्रॉम 2 ग्राम ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड एंड 8 ग्राम ऑफ Fe2O3 ऑल्सो रिपोर्ट द लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या करोगे, पहले इनका मोल निकाल दें, ठीक है, तो मोल निकाल दें 4/67 और ये क्या हो जाएगा 5.67/160, ठीक है। तो जब मूल निकाल दिए, अब मूल निकालने के बाद इनका जो स्टाइसोमेट्री है डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद जिसका सबसे कम है वो तुम्हारा लिमिटिंग होगा, उसको डिवाइड करने के बाद, ठीक है, जो लिमिट में आएगा वो Fe2O3 आएगा, तो जब आ गया तो उसके बाद तुम मोल एनालिसिस करके देख लो कि किसके रेशियो में कितना आएगा, जब ये लिमिट में है तो ये जीरो बचेगा और प्रोडक्ट इसी के बेसिस पे बनेगा, ठीक है, तो और ये मेरा कितना बचेगा ये हम बता सकते हैं, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, ये तो मोल एनालिसिस तुम लोग को बताया ही है, ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो मेरे पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पे क्वेश्चन आ जाएगा, तो हमको पूछा हुआ है क्या कि ऑल्सो रिपोर्टेड लिमिटिंग और वेट ऑफ FeO और VO का पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको एनालाइज करके दोनों का वेट निकाल सकते हैं, जो भी उसका मॉलिकुलर वेट है मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, ठीक है, तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया Fe2O3 के लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बहुत हाई फाई लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम इतना ध्यान मत दो, बस ये समझो कि जब तुमने मोल निकाल दिया ना, मोल निकालने के बाद करो क्या करो, उनका जो स्टाइसोमेट्री डिवाइड कर दो, तो जो सबसे कम आएगा वही मेरा क्या होगा लिमिट में होगा, तो लिमिट में तुम्हारा Fe2O3 ही आएगा, फिर उसके बाद तुम देख लो कि कौन कितना बचेगा, ठीक है, कितना मोल में कितना करेगा, मोल एनालिसिस करना है, इतना तो तुमको मैं सिखा ही चुका हूँ,
ठीक है, तो उसको करोगे तो वेट ऑफ एफ्यू तुम्हारा आ जाएगा। तो इसको एक बार देख लेना ठीक है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे आंसर दिया है, तो वेट ऑफ एफ्यू कितना निकलेगा 5.17 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे कर लोगे। अब एक ही टाइप के क्वेश्चन में बहुत बार डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया है, नहीं आया है तो एक बार खुद पहले ट्राई करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। तो अभी तक हमने लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट तुम लोगों को हो गया होगा कि कैसे इसको करते हैं, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट हमारा होता क्या है, अब आते हैं हम परसेंटेज यील्ड पे, ठीक है। तो देखो परसेंटेज यील्ड हमारा क्या होता है, ठीक है। नाम से ही लग रहा है, यील्ड मतलब हो गया कि कितना क्या प्रोडक्ट हमारा प्रोड्यूस हुआ है। एक्चुअली में जैसे मान लो अगर तुम इंडस्ट्री में कहीं जाते हो, जैसे मान लो तुमने क्या किया, तुमको कहीं फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में तुमको भेज दिया, चलो भाई तुम दवाई बनाओ। अब तुम दवाई जब बनाओगे तो कोई भी दवाई बनाने के लिए, जैसे मान लो पैरासिटामोल तुमको बनाना, तो पैरासिटामोल बनाने के तो बहुत सारे तरीके होंगे। तो तुमको अगर तुम एज R&D में हो, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो, तो तुम कौन सा प्रोसेस को यूज करोगे जिसमें यील्ड ज्यादा हो। यील्ड ज्यादा का मतलब क्या है कि जिसमें क्या है कि अगर मैं मान लो मेरे पे 10 ग्राम से 5 ग्राम मेरा पैरासिटामोल बनता है, ठीक है, मतलब बनना चाहिए, तो 5 की जगह 4 बने या 4.5 बने, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1-2 ग्राम बन रहा है तो तुम मान लोगे कि नहीं वो मेरा बहुत अच्छा मेथड है, तो वो अच्छा मेथड नहीं होगा। तो परसेंटेज यील्ड का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो मेरे पे कोई रिएक्शन हो रही है, तो जब भी कोई रिएक्शन होगी तो जरूरी नहीं कि वो कम्प्लीटली रिएक्ट कर जाए, और रिएक्ट करने के बाद वो क्या करे 100% प्रोडक्ट तुम्हारा दे दे, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड की जब भी हम बात करते हैं तो उसको हम करेंगे क्या, जो भी हमारी एक्चुअल यील्ड है, ठीक है, यानी जो हमको एक्सपेरिमेंटली मिला है, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे थ्योरेटिकल या मैक्सिमम यील्ड से। थ्योरेटिकल या मैक्सिमम यील्ड क्या होती है, थ्योरेटिकल यील्ड वो होती है जो तुमने कैलकुलेट करके, ठीक है, जो कि तुमने थ्योरेटिकली इतना ग्राम से इतना ग्राम प्रोड्यूस होना चाहिए या मोल मोल एनालिसिस करके निकाला, वो थ्योरेटिकल होगी, ठीक है। यील्ड से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो जो निकलेगा वो तुम्हारा क्या होगा, परसेंटेज यील्ड होगा। समझ में आया। तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं, एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय तुम्हारा थ्योरेटिकल या मैक्सिमम यील्ड जो तुम्हें निकाला है पेन और पेपर पे कितना निकलना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको क्वेश्चन के फॉर्म में जरा देखें, देखो ये मेरे पे क्वेश्चन है कि 12.8 ग्राम CO2 रिएक्ट कर रहा है 3.2 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, और मेरा SO3 बना रहा है, और कितना ग्राम बना रहा है, 6 ग्राम SO3 हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। अब बोला कि बताओ कि परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन क्या है। तो देखो, अच्छा यहाँ परसेंटेज यील्ड निकालने से पहले तुमको एक चीज और देखनी पड़ेगी, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ठीक है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो उसी के बेसिस पे SO3 बनेगा, अगर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है तो तुम किसी से भी एनालाइज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले इन दोनों का, यानी इन तीनों का ही मोल निकाल सकते हैं हम लोग। तो अगर हम पहले SO2 का वेट कितना दे रखा है 12.8 ग्राम, तो इसका अगर हम क्या निकालें, मोल निकालें, तो मोल ऑफ SO2 क्या हो जाएगा, ठीक है, 128.8 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ SO2, तो ये कितना आ जाएगा 0.2 मोल। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन का हमको मोल निकालना हो तो ये 3.2 ग्राम दे रखा है, तो मोल ऑफ O2 कितना आ जाएगा 0.1 मोल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब हमारे पे इसका लिमिटिंग रिएजेंट देख लेते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, इसका जो भी मोल है डिवाइड बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका मोल कितना है 0.2 मोल, और ऑक्सीजन का मोल कितना दे रखा है 0.1 मोल। 0.2 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा 0.1, और 0.1 डिवाइड बाय 0.1 डिवाइड बाय 1 करोगे तो 0.1। तो यानी इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है क्योंकि दोनों ही बराबर आ रहे हैं। तो जब दोनों बराबर आ रहे हैं तो मेरा प्रोडक्ट किसी के बेसिस पर होगा, ठीक है, तुम किसी से भी चेक कर सकते हो। तो अब तुम मोल मोल एनालिसिस कर लो। तो मोल मोल एनालिसिस अगर तुम करो तो इसको अगर तुम देखो तो यानी यहाँ मोल मोल एनालिसिस करोगे तो यहाँ पे जितना मोल CO2 का होगा उतना ही मोल मेरा SO3 प्रोड्यूस होगा। तो इसको जब तुम करोगे तो 0.2 मोल प्रोड्यूस हो गया, यानी कितना 16 ग्राम, ठीक है। तो मेरा SO3 कितना प्रोड्यूस होना चाहिए था 16 ग्राम,
ठीक है, ये तो क्या हो गया, थ्योरेटिकली हमने देखा ना मोल मोल एनालिसिस करके कि कितना मेरा SO3 प्रोड्यूस होना चाहिए, तो कितना ग्राम प्रोड्यूस होना चाहिए था, 16 ग्राम, ठीक है, और प्रोड्यूस कितना हो रहा है, 6 ग्राम, ठीक है, यानी एक्चुअल यील्ड कितनी है, 6 ग्राम और थ्योरेटिकल 16, तो रेशियो लोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 6 / 16 × 100, तो परसेंटेज ऑफ, सॉरी प्योरिटी नहीं है ये, यील्ड है, तो परसेंटेज ऑफ यील्ड है, परसेंटेज ऑफ यील्ड कितनी आ गई, 37.5%, समझ में आया। तो देखो एक चीज तुमको, एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जब भी हमको परसेंटेज ऑफ यील्ड पूछे प्रोडक्ट का, तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले जब भी 2 या 3 रिएक्टेंट है तो सबसे पहले उनका मोल निकाल के ये पता कर लो कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। हाँ, आंख बंद करके मत मार लेना किसी को, एक को पकड़ो और प्रोडक्ट बना दिए, आंसर तुम्हारा गलत आएगा, समझ आ रहा। बच्चे मोर ऑफ टाइम यही करते हैं कि एक का पता लिमिटिंग भूल जाते हैं। अब तुमको कभी भी क्वेश्चन करना तो लिमिटिंग चेक करना है, सिर्फ यहीं पे नहीं, क्वेश्चन में तुमको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे आगे, ठीक है, मोल एनालिसिस से रिलेटेड या फिर आगे भी जो भी चैप्टर पढ़ोगे केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो सबसे पहले अगर 2 रिएक्टेंट दिए हैं तो पहले ये चेक कर लो कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट पता लग जाएगा, उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, अपने आप प्रोडक्ट नहीं बना लोगे, ये फ्यूचर में अब हर जगह काम आएगा तुम, ठीक है। तो सबसे पहले काम तुमने लिमिटिंग रिएजेंट निकाल दिया, फिर उसके बाद चेक कर लिया कि कितना ग्राम तुम्हारा वो प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है, और फिर उसमें तुमको जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो निकल गई कि इतना हमारा ग्राम बनना चाहिए, और एक्सपेरिमेंटल गिवन होगा, एक्सपेरिमेंटल 100% गिवन होगा, ठीक है। कई बच्चों को समझ में लगता है कि सर कैसे हमें निकालेंगे, हमको क्या दिया होगा क्या, भाई थ्योरेटिकल यील्ड तो निकाल सकते हो, एक्चुअल तो हमको गिवन होगी तभी तो बताओगे, नहीं तो तुम्हें पता क्या लगेगा, देख के बता दोगे कि कितना इसका निकलना चाहिए, ठीक है, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया परसेंटेज यील्ड क्या होगा। अब आते हैं परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ ए सैंपल, ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड का मतलब ये होता है कि कितना हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना प्रोडक्ट बनेगा, समझ आ रहा है, क्लियर है, कितना वो प्रोडक्ट बना, ठीक है, कितना बनना चाहिए था लेकिन कितना बना, वो तुम्हारा परसेंटेज यील्ड हो गया। परसेंटेज ऑफ प्योरिटी की जब भी हम बात करते हैं, यानी किसी भी सैंपल के हम जब उसकी प्योरिटी की बात करते हैं कि परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ सैंपल क्या है, तो इस केस में हम देखते हैं, ठीक है, कि जो भी हमको दिया हुआ है, ठीक है, जो भी हमको सैंपल दिया है वो क्या 100% प्योर है। जैसे मान लो तुम कैल्शियम कार्बोनेट लाए, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, मार्बल, ठीक है, तुम पहाड़ी से खोद के लाए, ठीक है, चलो कैल्शियम कार्बोनेट ये रहा, अब उसको तुम रिएक्ट करने लगे, तो हो सकता है वो जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसमें कुछ ना कुछ और भी मिक्स हो, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट मिक्स हो सकता है, ठीक है, हो सकता है उसके अंदर NaCl थोड़ा बहुत अमाउंट में हो, KCl हो, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या है कि हमारे पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 100% तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मिक्सचर है। तो उसमें क्या होगा, हमको चेक करना पड़ेगा कि जो हमको सैंपल दिया है उसकी प्योरिटी क्या है, ठीक है। और यील्ड में क्या है, यील्ड में हमको ये देखना होता कि जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो एक्सपेरिमेंटली कितना बन रहा है और थ्योरेटिकली कितना बनना चाहिए था, उनके बीच का जो रेशियो होता है उस, और मतलब उसका जो परसेंटेज होता है उसको हम परसेंटेज यील्ड कहते हैं। और परसेंटेज ऑफ प्योरिटी में क्या होता है कि जो भी हमको रिएक्टेंट गिवन है, ठीक है, जो भी हमको रिएक्टेंट गिवन है उस रिएक्टेंट की कितनी प्योरिटी है, यानी वो कितना प्योर है, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आया होगा। तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा परसेंटेज ऑफ प्योरिटी, हम निकालते हैं कि कितना हमारा रिएक्टेड हुआ, ठीक है, जो भी हमको सैंपल दिया वो कितना रिएक्ट हुआ और हमको कितना वो गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर मान लो एग्जाम्पल लेते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट का ही, तो कैल्शियम कार्बोनेट अगर मान लो हमको 100 ग्राम दिया है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हम 100 ग्राम मान के चलते हैं कि भाई उसके अंदर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है ही, 100% है, और हम 100 ग्राम के हिसाब से ही HCl डाल दिए उसके अंदर। अब हमको चाहिए था कि भाई अब जब हमने उसके अंदर उसी के हिसाब से HCl डाल दिए तो कंप्लीट कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट हो जाएगा और कंप्लीट HCl भी रिएक्ट हो जाएगा और हमको CO2, ठीक है, और CaCl2 मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि HCl मेरा बच जाता है, तो बच रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट जो लिया था हमने वो 100% नहीं है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, उसके अंदर क्या था, हमने भले सैंपल ज्यादा लिया लेकिन उसके अंदर एक्चुअल जो है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट वो कम है। अब जितना रहेगा उतना ही तो रिएक्ट करेगा ना,
जितना है मतलब तुम्हारा जितना उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा उतना ही तुम्हारा रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो इसी वजह से कहते हैं कि कितना रिएक्ट कर रहा और कितना गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ठीक है, तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है। तो आयो तुमने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 ग्राम मेरा इम्प्योर सैंपल है सोडियम सल्फेट का, वो डिजोल्व किया गया वाटर में, यानी सोडियम सल्फेट का सैंपल है 3 ग्राम, उसको पानी के अंदर डिजोल्व किया गया, और फिर बोल रहा है कि एक्सेस बेरियम क्लोराइड के साथ इसको क्या किया, ट्रीट किया गया, मतलब रिएक्ट किया गया, और ये मेरा फिर फॉर्म कर रहा है 1.74 ग्राम बेरियम सल्फेट, ठीक है। अब बोला कि बताओ कि कितना परसेंटेज ऑफ प्योरिटी है सैंपल में। तो सबसे पहले इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर लिखें तो ये एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो तुमने पढ़ा था, ठीक है, कब पढ़ा था, 10th में पढ़ा था, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी उसको बोलते हैं। तो Na2SO4 जब हमारा बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मेरे पे BaSO4 दिख रहा है। तो इसका अगर हम मास मास एनालिसिस करें तो हम बोल सकते हैं कि पहले तो बैलेंस कर लिया है, यहाँ पे बैलेंसिंग हो गई है, मैंने कर दिया है। यहाँ पे अगर हम उसका मास मास एनालिसिस करें तो हम बोल सकते हैं कि 142 ग्राम जो मेरा Na2SO4 है वो तो मेरा कितना बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस करेगा, 223 ग्राम, यानी 223 ग्राम, ठीक है। यानी मैं बोल यानी इसको अगर मैं रिवर्स देखूं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 223 ग्राम बेरियम सल्फेट मेरा कितने ग्राम Na2SO4 के साथ प्रोड्यूस होना चाहिए था, 142 ग्राम, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड लगा के मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक है, कि अगर मेरे पे 1 ग्राम बेरियम सल्फेट है वो कितना ग्राम Na2SO4 चाहिए उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे दोबारा समझ लो इसको कि 223 ग्राम बेरियम सल्फेट मेरा 142 ग्राम Na2SO4 से प्रोड्यूस हो रहा है। यूनिटरी मेथड अगर हम लगा लें तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 ग्राम मेरा बेरियम सल्फेट कितने ग्राम Na2SO4 से प्रोड्यूस होगा, 142 / 223, ठीक है। तो हमको अभी बेरियम सल्फेट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 1.74, ठीक है। उसके लिए मेरे पे Na2SO4 कितना चाहिए, 142 / 223 × 1.74, ठीक है। तो ये कितना मेरा हो जाएगा, 1.06 ग्राम ऑफ Na2SO4, ठीक है। तो Na2SO4 मेरा कितना एक्चुअल में रिएक्ट हो रहा है, 1.06, और गिवन कितना है, 3, ठीक है। तो इसका हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं क्या, 1.06 / 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्योरिटी ऑफ Na2SO4 कितना हो गया, 35.33%, ठीक है। यहाँ पे प्योरिटी ऑफ Na2SO4 निकल गई मेरी, ओके। तो समझ में आया, तो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी क्या है, जरूरी नहीं कि जो हमको सैंपल दिया हो उसमें 100% वो जो कंपाउंड है वो प्रेजेंट हो, तो उसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो भाई अब परसेंटेज ऑफ कंपाउंड हमको जब भी चेक करना तो हमको पता तो होना चाहिए एक्चुअली कितना प्रेजेंट है, तो वो तभी निकाल पाओगे जब केमिकल रिएक्शन करोगे, क्योंकि तो जितना उसका मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गया, जितना उसका अमाउंट प्रेजेंट होगा वही रिएक्ट करेगा, ठीक है। उसके अंदर कूड़ा कचरा थोड़ी ना है, अगर इसके अंदर सिलिकॉन में ऑक्साइड होगा तो वो थोड़ी रिएक्ट करेगा, ठीक है, बेरियम क्लोराइड और BaSO4 बढ़ाएगा, ठीक है। तो इससे हम परसेंटेज ऑफ प्योरिटी बताते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री में बहुत इसका यूज होता है, ठीक है। इंडस्ट्री में हमको मान लो तुमको कोई सैंपल तुमको दे दिया, अब तुमको सैंपल से पूछा कि बताओ भाई ये सैंपल तुम्हारा प्योर है, तुम्हारा बॉस है, तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहां तुमको पूछा कि बताओ क्या प्योर है, तुम प्योर कैसे पता करोगे, पहले उसको रिएक्ट करोगे किसी से, रिएक्ट करने के बाद तुमको पता है कि भाई इतना ग्राम हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि तुमने जो जिससे रिएक्ट किया वो प्योर लिया है, इतना तुम्हारा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और इतना होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे तुम क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि ये तो भाई हमारा तुमने जो सैंपल दिया वो घटिया है, ठीक है। तो ये हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, यहाँ पे वीडियो पॉज करके तुम क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन तुम लोगों ने ट्राई किया होगा, तो एक काम किया करो, जब भी तुम लोग भाई वीडियो जब देखते हो क्वेश्चन को करते हो तो उसी समय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो,
अगर उस समय करते हो तो उससे क्या हो जाएगा कि तुम्हारा मतलब आंसर मैं देख लूंगा, जिससे मेरे को लग जाएगा कि हाँ तुम लोगों ने गलत किया है या सही किया है। ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मच मार्बल ऑफ 90.5% प्योरिटी वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 10 लीटर ऑफ CO2 एट STP। ये बोलना है कि कितना हमको मार्बल चाहिए जिसकी प्योरिटी, हमको यहाँ पे प्योरिटी ऑफ क्या दे रखा, मार्बल। मार्बल मतलब क्या, कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल कहते हैं ना, जिसकी प्योरिटी कितनी हो 90.5। ठीक है, वुड रिक्वायर टू प्रिपेयर 10 लीटर ऑफ CO2 एट STP। ठीक है, यानी वो हमारा 10 लीटर CO2 प्रोड्यूस कर रहा किस पे, STP पे। ये बोला व्हेन द मार्बल इज एक्टेड अपॉन बाय डाइल्यूट HCl। ठीक है, HCl हमने डाइल्यूट HCl से ट्रीट किया, तो तुम्हें पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जब हमारा रिएक्ट करता है HCl से तो CaCl2 H2O और CO2 प्रोड्यूस कर मतलब देता है। तो अब अगर हम देखें इसको मोल मोल एनालिसिस, ये 22 लीटर ये CO2 का होगा, तो इसको देख लेना। तो देखो अगर मेरे पे ये 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो मेरे पे CO2 कितना प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, 22.4 लीटर। तो हम इसको रिवर्स कह सकते हैं कि अगर मेरे पे मान लो 22.4 लीटर CO2 है एट STP, तो मेरे पे कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए होगा 100 ग्राम। तो अगर मेरे पे 1 लीटर है तो कितना ग्राम चाहिए होगा, हम बता सकते हैं 100 डिवाइड बाय 22 पॉइंट, यानी मेरे पे मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पे 22.4 लीटर CO2 प्रोड्यूस हो रहा है तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए 100 ग्राम। और अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरे पे 1 लीटर CO2 प्रोड्यूस हो रहा है तो कितना चाहिए 100 डिवाइड बाय 22.4, ठीक है, ग्राम ऑफ CaCl3। अगर मैं बोलूँ कि 10 लीटर के लिए कितना चाहिए तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है, कि 10 के लिए क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 22.4 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कितना हमारे पे कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए होगा 44.64 ग्राम। यानी इसका मतलब क्या है, जो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है वो कितना हो गया 44.64, क्योंकि भाई हमको मार्बल 100% तो प्योर नहीं होगा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट निकला है वो क्या है, प्योर है। समझ आ रहा ना, क्योंकि ये रिएक्ट हो रहा है, ये मेरा क्या है, ये प्योर है। जो ये मेरे पे कैल्शियम कार्बोनेट निकला है वो प्योर है, तो ये कितना निकल गया 44.64 ग्राम। ओके, अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि मार्बल कितना अब हम वेट लेंगे। ठीक है, ये तो मेरा इसके अंदर कितना कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है मार्बल के अंदर वो पता लगे। तो सिंपल फॉर्मूला लगा लो परसेंटेज का, यहाँ पे प्योरिटी ऑफ परसेंटेज क्या होता है बताओ, बताओ, वेट रिएक्टेड अपॉन में तुम्हारा क्या होगा, वेट गिवन मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू परसेंटेज। यहाँ परसेंटेज दे रखा है 90.5, ठीक है, रिएक्टेड हमारा कितना हो गया 44.64 अपॉन में वेट ऑफ सैंपल डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100, तो जो तुम्हारा परसेंटेज हो डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 90.5 इंटू 44.64, तो कितना वेट प्योर मार्बल आ गया 59.326 ग्राम। ठीक है, यानी पे मेरा जो वेट है, जो मार्बल का वेट लेंगे वो तो कितना लेंगे 59.326 ग्राम। ठीक है, तो समझ में आया। तो जो तुमको मैं परसेंटेज इल्ड और परसेंट प्योरिटी का बताया है, देखो परसेंटेज इल्ड का मतलब है, थोड़ा सा मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ, परसेंटेज जो इल्ड होता है उसमें क्या होता है कि हमको जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना, हमारा प्रोडक्ट जितना बनना चाहिए उसमें से कितना बन रहा है। यानी जब भी हम दो रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद बहुत सारे साइड प्रोडक्ट बनते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्ट बनता है वो 100% का नहीं बन पाता जितना हम सोचते हैं। तो कितना बना और कितना बनना चाहिए, ठीक है, तो उनका जो रेशियो होता है और उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा परसेंटेज क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ इल्ड हो गया, इतना इल्ड यानी इतना प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, और जितना अच्छा तुम्हारा क्या होगा इल्ड होगा उतनी अच्छी रिएक्शन मानी जाती है। और परसेंटेज ऑफ प्योरिटी का क्या मतलब हो गया, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी का मतलब ये हो गया कि हमको क्या है, जो हमको सैंपल दिया है, ठीक है, उस सैंपल में कितना परसेंटेज वो जो कंपाउंड है वो प्रेजेंट है। यानी अगर मैं 10 ग्राम मान लो सोडियम कार्बोनेट लिया, तो 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया है तो अगर उसमें से 5 ही ग्राम काम का है, 5 ही ग्राम से मेरा रिएक्टिव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका प्योरिटी तो 50% ही हो गई ना, 10 ग्राम तो हमने लिया सिर्फ 5 ही ग्राम काम का है। ठीक है, तो कितना ले लो मतलब नहीं हुआ, कितना रिएक्ट कर रहा वही मतलब है।
ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ प्योर, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्योरिटी कि कितना प्योर हमारा सैंपल है। ठीक है, तो जो कोई भी आयरन वायरन तुमको देगा तुम उसकी प्योरिटी देखोगे, और प्योरिटी कैसे देखोगे, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। तो ये क्लास में हमने ये डिस्कस किया, तो आई होप तुम लोग को लेक्चर समझ में आया। लिमिटिंग रिएजेंट हमने डिस्कस किए, उससे बेसिस पे थोड़ा पीओसी रिलेटेड क्वेश्चन भी देखे थे जो लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, फिर हमने परसेंटेज ऑफ यील्ड देखा, फिर परसेंटेज ऑफ प्योरिटी देखी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो डीपीपी है वो मैं तुम्हारे ऐप पे दे दूंगा। ठीक है, तुम लोग ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, जो ऐसे ऑनलाइन अगर कोई लेक्चर सुन रहा है, ठीक है, हम लोग का। और अगर वीडियो तुम लोग को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर चीज़ें अगर तुमको समझ में नहीं आए तो एक बार दोबारा सुन लेना, आई होप मैंने क्लियर किया है। देखो यहाँ पे जब भी हम क्लास में डिस्कस करते हैं उसका मजा कुछ और होता है, वहाँ पे तुम्हारे डाउट होंगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वहाँ पे बोलने का समझाने का तरीका अलग हो जाता है, यहाँ पे चाह कर भी मैं चीज़ें उतने ज़्यादा नहीं बोल सकती। तो कोशिश करो नोट्स बनाने की, नोट्स अच्छे से बनाओ, सारे लेक्चर तुम्हें अवेलेबल हैं उनको एक एक करके देखो, नोट्स उसको प्रिपेयर करो, क्वेश्चन दिए हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उनको तुम करो, कैसे सॉल्व किया है उसको देखो। ठीक है, तो फिर मैं डीपीटी देता हूँ उसको सॉल्व करो, कोई डाउट है तो वो भी तुम पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास को हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, और तुम लोग डीपीटी मिल जाएगी उसको सॉल्व करना। ठीक है, और जो भी डाउट है तुम लोग वीडियो लेक्चर के मतलब उससे कमेंट में पूछ सकते हो, और मैसेज करके भी पूछ सकते हो, और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं।